विश्वासघात किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज की याद दिलाते हैं कि जंगल राज, आज भी उन्होंने कहा कि देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसने जंगल राज नहीं देखा, लेकिन जंगल राज तू ना आने देना। पिछड़ों का सरकार आया, जब मुख्य धारा में लोग आने लगे, वंचित शोषित समाज के लोग, तो जंगल राज वाली बातें ये भाजपा वाले प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। लेकिन वाह मोदी जी वाह, 3000 बच्चियों के साथ रेप शोषण करने वाले के लिए आप जाके वोट मांगते हैं। महिला पहलवान के साथ जिसने शोषण किया, आप उनके बेटे को टिकट देते हैं, विदेश भगा देते हैं। मणिपुर की घटना में कहाँ थे आप? वो कौन सा राज है? पर आप पर परिवारवाद का ऐसा आरोप है। यूपी में मंत्री का बेटा किसानों को रौन देता है, ये कौन सा राज है? और ये कौन सा राज की परिवार ही आपको दिखता है? आपकी दो दो बहनें सांसदी का चुनाव लड़ रही हैं, दो भाई आप और आपके भाई वो विधायक हैं, वो कहते हैं ये तो बस परिवारवाद से आगे कोई किसी को सोच ही नहीं है। मेरे लिए तो पूरा देश परिवार है। मेरा भी परिवार है पूरा देश, मेरा भी इसमें क्या है? हमारे कितने विधायक हैं, कितने MP हैं, सब है। और इलेक्ट्रॉल फील्ड में आए तो जनता तय करेगी। यहाँ तो ऐसा है नहीं है कि ताज रखा गया है, फील्ड में भेजा गया है। फील्ड में मालिक कौन है? जनता है, जनता को तय करने दो। लेकिन परिवारवाद की अगर आप बात करते हो तो आप अपने घर से शुरू करो। आप तय करो कि BJP के कोई नेता के बेटे या बेटी को टिकट नहीं देंगे, या कोई भी ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन नहीं करेंगे। आपका परिवारवाद जमुई में कहाँ चला जाता है, हाजीपुर में कहाँ चला जाता है, गया में कहाँ चला जाता है, औरंगाबाद में कहाँ चला जाता है, नवादा में कहाँ चला जाता है, इस पे बताओ। एफिडेविट लिखो, करो, अपने घर से शुरू करो। आपने तो बस कुछ वोट बैंक साथ रखे हैं, मुस्लिम यादव से आप आगे जाने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे हराएंगे? बीच में 12,000 का अंतर था केवल, वो भी चंडीगढ़ के बेईमानी के बाद। जैसा बेईमानी चंडीगढ़ में हुआ उसी तरीके का बेईमानी बिहार में हुआ था। हमको तो सबने वोट दिया था। ये जो युवा है, जब युवाओं को नौकरी मिली बिहार में, हर जात के लोगों को मिला, तो लोगों के एक उम्मीद एक आशा बनी हुई है। जाति धर्म तोड़ करके युवा रोजगार के मुद्दे पर जुड़ रहा है। माई फॉर्मूला भी आपने तोड़ दिया है, उससे आगे जा रहे हैं। अब तो माई बाप है, बी से बहुजन, ए से अगड़ा, आधी ए से आधी आबादी हो गई, और पी से पुअर, माई बाप, A to Z की। लोग मानेंगे ये या यादव राज का डर अभी भी उनके मन में है। आप अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, माइक की भी बात होने लगी। 17 महीने हम सरकार में थे, कितना बढ़िया चला सरकार। कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई अप्रिय घटना ऐसी कोई हुई नहीं हुई, सब शांतिपूर्वक रहे। नौकरियां मिल रही थी, IT पॉलिसीज बना रहे थे हम, टूरिज्म पॉलिसी बनाई हम लोगों ने, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टर मीट कराया, 50,000 करोड़ का MOU साइन कराया, नियोजित शिक्षक 4.5 लाख को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। ये सब काम है, जंगल राज नहीं। ये सब आप काम कर रहे हैं, पर क्या एक विरासत, और विरासत पर हर कोई गौरव करता है, गर्व करता है, उसके बारे में बात करता है, पर आपकी विरासत लालू राज की, आपके पिता का जो इतिहास है, अतीत है, क्या वो आपके तेजस्वी के आड़े भी आ रहा है? वो एक स्ट्रेंथ, एक असेट के बजाय लाइबिलिटी बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए जमाना बदला है, आप 1950 का अलग युग होगा, आज़ादी से पहले का अलग युग था, कुछ और ज़रूरतें थी, अब कुछ और ज़रूरत है, अब 21वीं सदी है तो अलग ज़रूरत है, उस हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है, उसी हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमारे विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। जो लालू जी की विचारधारा रही सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की, उसी पे हम लोगों ने काम करते रहे। RJD ऐसी पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, कि कभी भी किसी भी प्रकार से हमने भाजपा से समझौता कभी भी नहीं किया। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। पर इस दौर में कई पार्टियाँ चली जाती है, हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उधर चले जाते हैं अपने फायदे नुकसान में, लेकिन हम अपना फायदा नुकसान नहीं देखते।
हम पहला अपना आइडियोलॉजी जो हमारा विचारधारा है उस पे हम लोग रहते हैं। ABP News आपको रखे आगे।